मुंबई के मरीन ड्राइव पर होटल फॉर्च्यून में लगी भीषण आग, सभी 25 डॉक्टरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल की विभाग ने 5 डॉक्टर्स को सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला, रेस्क्यू के बाद दूसरे होटल में किया गया शिफ्ट। रायपुर में स्टेशन के पास एक होटल में लगी आग, आसपास की दुकानों को भी चपेट में लिया। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर में बीएसईएस के खम्भे में भीषण आग लगी, आग की वजह से आसपास के घरों में घुसा धुआं। घर के अंदर फंसी महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया गया, आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल। नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह और डीएम सुहास एलवाई ने किया कंटेनमेंट जोन का दौरा, लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। अधिकारियों ने दिया भरोसा, डोर टू डोर डिलीवरी की सुविधा का करें इस्तेमाल, एक मरीज के 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन में। नोएडा में अब तक 366 कोरोना के मामले, 108 एक्टिव केस, 253 लोग हुए हैं स्वस्थ। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में आए 10 नए मरीज, जिले में अब तक 245 कोरोना के केस। गाजियाबाद में इस वक्त है 19 हॉटस्पॉट, एक्टिव केसों की संख्या है 44। एनडीएमसी के ज्वाइंट डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, शहीद भगत सिंह प्लेस को 48 घंटे के लिए किया गया सील। दिल्ली पुलिस में भी कोरोना का कहर, अब तक करीब 400 पुलिस वाले पॉजिटिव। 1000 पुलिस वालों को किया गया है क्वारंटीन, हर थाने में हर दिन सैनिटाइजेशन करने के आदेश, थर्मल स्क्रीनिंग भी जरूरी। दिल्ली के सबसे बड़े होलसेल हब सदर बाजार को खोलने की मांग, सीएम से लगाई गई है गुहार। व्यापारियों की अपील, 2 महीने से बंद है सदर बाजार, करोड़ों का नुकसान हुआ, मजदूर भी हुए बेरोजगार। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 6,300 ज्यादा नए मामले, मरीजों का आंकड़ा करीब 1,52,000 के करीब। देशभर में पिछले 24 घंटे में 170 लोगों की मौत, अब तक 4,300 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले, कुल करीब 55,000 मरीज। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 24 घंटे में 646 नए मरीज, 17,700 से ज्यादा कोरोना के केस। गुजरात में सामने आए 361 नए मामले, 14,800 से ज्यादा है कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 915 लोगों की मौत। लॉकडाउन में फंसे झारखंड के कुछ मजदूरों की अब फ्लाइट से वापसी, एयर एशिया से आ रहे 180 प्रवासी मजदूर, छात्रों के ग्रुप ने की है मदद। अंडमान में फंसे लोगों को लाने के लिए 2 और फ्लाइट जल्द ही रांची आएंगी, राज्य सरकार देगी किराया। रांची के कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में हंगामा, कंटेनमेंट जोन हटाने को लेकर धरना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने खुद लोगों को समझाया। हरियाणा के झज्जर में विदेश से लौटे 17 लोगों में से 4 मिले कोरोना पॉजिटिव, होटल में थे क्वारंटीन। फिरोजाबाद के अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव शख्स का हंगामा, गार्ड को पीटा, मौके पर पुलिस पहुंची। बिहार के मधुबनी में क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की मौत हुई, पुणे से आया था ये मजदूर। क्वारंटीन सेंटर में 7 दिन रखने के बाद मजदूरों को बिना मेडिकल जांच के भगाने का है आरोप, प्रवासियों ने खराब व्यवस्था के विरोध में किया सड़क जाम। बिहार के कटिहार में स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर तनाव, गांव वालों ने की पिटाई, मजदूरों ने सड़क जाम की। कोरोना संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के खिलाफ आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा का धरना, कानून व्यवस्था बिगाड़ने को लेकर जताया विरोध। यूपी गोवर्धना में भीड़ को दूरी बनाकर खड़े रहने को लेकर अस्पताल में हंगामा हुआ, गार्ड के साथ हुई मारपीट। पूर्वी दिल्ली के मधुबिहार थाने के एसएचओ राजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए, थाने में मचा हड़कंप। बरेली शहर में रामपुर गार्डन बना हॉटस्पॉट, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बरेली में अब तक 10 हॉटस्पॉट, अब तक 43 लोग बन चुके हैं कोरोना के शिकार। अगरतला में महाराष्ट्र से लौटे 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, सरकार ने सभी 1154 लोगों को टेस्ट कराने के आदेश दिए। महाराष्ट्र से पश्चिमी मिदनापुर लौट रहे एक प्रवासी मजदूर की बस में मौत हुई, बस में सफर कर रहे थे 35 मजदूर। कपूरथला में अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे करीब 150 किसान, कहा सरकार चाहे तो जेल भेज दे। कोरोना संकट के बीच मास्क की बढ़ी है मांग, लुधियाना में बन रहे हैं डिजाइनर मास्क। भोपाल में खुल गए बाजार, सरकार की गाइडलाइंस के तहत हर सामान के लिए अलग अलग दिन तय। हिमाचल के सोलन में उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की है गाइडलाइंस, निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले पाएंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक, जबरदस्ती फीस लिए जाने पर जताई नाराजगी। बिहार के बाढ़ में कोरोना को 18 लोगों ने दी मात, 5 बच्चे भी बीमारी से स्वस्थ हुए। इंदौर में 54 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर घर लौटे, स्वस्थ कर्मियों की उतारी गई आरती। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दूल्हा सहित 95 लोग किए गए क्वारंटीन, एक रिश्तेदार ने कहलाया था कोरोना पॉजिटिव। सूरत से 1600 श्रमिकों को लेकर आज 5वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन चित्रकूट पहुंची, स्टेशन से बाहर निकलने के दौरान भीड़ नजर आई।
यूपी के अमरोहा से सीतापुर के लिए निकले 7 बच्चे पहुंचे मुरादाबाद, पुलिस ने शेल्टर होम में भेजा। पटना में पुल बनाने के दौरान जेसीबी से फिसल कर गिरा एक पत्थर, नीचे खेल रहे 3 बच्चों के दबने से मौत हुई। मध्य प्रदेश के रतलाम में लॉकडाउन में भाई बहनों ने मिलकर बनाई 22,000 ईंट पक्के मकान के लिए पिता से किया था वादा। पीएम आवास योजना के लिए पंचायत में किया गया आवेदन लेकिन नहीं मिली मंजूरी, अब अगली फसल से मकान बनाने का खरीदेंगे बाकी का सामान। उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने किया है बेहाल, दिल्ली में दिन चढ़ते ही आसमान से बरसती है आग, कल 47.6 डिग्री तक पहुंचा था पारा। हरियाणा में कई जगहों पर सातवें आसमान पर सूरज, हिसार में 48 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। कोलकाता में फिर से आई तेज आंधी, कल देर रात तक हुई बारिश। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आंधी और तेज बारिश, बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हुई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पीने के पानी का संकट, 3 किलोमीटर पैदल चलकर लाते हैं पानी। राजस्थान में चढ़ते पारे और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने ढाया है सितम, बूंदी और चुरू में 50 डिग्री के पार पहुंचा है अधिकतम तापमान। ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर, 14 जिलों में रिकॉर्ड किया गया 40 डिग्री से ज्यादा तापमान। उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी का सितम, गर्म हवाओं ने लोगों को किया है बेहाल, कई जगहों पर 45 के पार पहुंचा पारा। असम के 7 जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की तबाही, 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। त्रिपुरा में भी भारी बारिश ने बढ़ाई है मुश्किलें, कई इलाकों में तेज तूफान और जलभराव की वजह से बिजली ठप। इंदौर में प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से निकाले जाने से नाराज, कहा मानहानि के खिलाफ अदालत जाएंगे। प्रेमचंद गुड्डू ने कहा वो 9 फरवरी को पार्टी से दे चुके हैं त्यागपत्र, सिंधिया के खिलाफ दे रहे थे बयान। लॉकडाउन के नियमों के तोड़ने के आरोप में दाती महाराज को गिरफ्तार किया गया, तुरंत दी गई जमानत। शनिदेव मंदिर में दाती महाराज कुछ भक्तों के साथ पूजा अर्चना करते हुए आए थे नजर, सोशल डिस्टेंसिंग पर का ख्याल नहीं रखा गया था। अलीगढ़ में एसपी युवजन सभा के नेता सलमान शाहिद के खिलाफ केस, राशन बांटने के दौरान भीड़ जमा करने का है आरोप। सोनीपत के नेशनल हाईवे ट्रक प्रयागराज में दोस्त के साथ नहाने गए एक युवक के साथ हुआ हादसा, डूबने से हुई मौत। नाविकों ने दोस्त को डूबने से बचा लिया, युवक को बचाने की कोशिश रही नाकाम। दिल्ली के पांडव नगर में कूलर चलाने के दौरान एक शख्स को लगा करंट, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में होमगार्ड की पिटाई, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लॉकडाउन में 7 साल से बिछड़ा बेटा मां को मिला वापस, राजस्थान के गंगानगर से पुलिस लेकर आई। भारत गैस के ग्राहकों को व्हाट्सएप के जरिए मिली एलपीजी सिलेंडर बुकिंग की सुविधा, बुधवार से शुरू हुई सहूलियत। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की लिस्टिंग की योजना की तैयारी, अमेरिका चीन के ट्रेड वॉर से हो सकता है फायदा। रेडको के यूपी चैप्टर ने पीएम केयर्स फंड में दिए 14,00,000 रुपए, 2,50,000 मजदूरों को रोजगार देने का सरकार को वादा। रियलमी ने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया X3 सुपर जूम स्मार्टफोन, फोटोग्राफी के लिए दिया गया है 60 जूम का कैमरा। दुनिया भर में कोरोना के 3,57,000 लोगों की मौत हुई, 57,00,000 लोगों को बीमार कर चुका है ये वायरस। अमेरिका में 1,00,000 के पार पहुंचा है कोरोना के मौत का आंकड़ा, करीब 17,00,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जारी पाबंदियों में और दी जाएगी छूट, जल्द खुल सकते हैं पार्लर और सैलून। अमेरिका के CDC ने कोरोना को लेकर जारी किया है नया फरमान, कहा प्लेन में आसानी से नहीं फैलता कोई भी वायरस। ब्रिटेन ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की इजाजत दी, स्वास्थ्य मंत्री बोले जल्द शुरू किया जाएगा दवा का क्लिनिकल ट्रायल। स्पेन में सुधरते हालात के बीच लॉकडाउन में और दी गई ढील, सामाजिक समारोहों, बाहरी बैठकों और कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों को परमिशन। सिंगापुर में कम्युनिटी सेंटर्स में लगाई गई वेंडिंग मशीन, सरकार की ओर से फ्री में बांटे जा रहे हैं मास्क। न्यूजीलैंड ने कोरोना को पूरी तरह से किया पस, आखिरी मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी। दक्षिण कोरिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियों में और ज्यादा ढील, छोटे बच्चों के भी खोले गए हैं स्कूल। जापान में पूरी तरह से खत्म किया गया इमरजेंसी को, सरकार ने हटा ली सारी पाबंदियां, फिर से पहले की तरह पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। लॉकडाउन में बच्चों को जेके रॉलिंग का तोहफा, ऑनलाइन जारी किया गया परियों की कथा पर आधारित किताब का पहला चैप्टर।
ब्राजील में कोरोना संकट के बीच रियो के गवर्नर के आवास पर पुलिस की छापेमारी, सार्वजनिक संसाधनों के गबन का है आरोप। चीन की सर्वे टीम ने मापी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, 88,44.43 मीटर का दावा, पहले से 4 मीटर तक। एयरबस कंपनी की 11 सदस्यीय टीम ने शुरू की है कराची हादसे की जांच, शुक्रवार को गई थी 91 लोगों की जान। खराब मौसम की वजह से टली स्पेस एक्स के ह्यूमन स्पेस मिशन की लॉन्चिंग, अब शनिवार को स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे 2 अंतरिक्ष यात्री। स्पेस एक्स की लॉन्चिंग देखने के लिए परिवार के साथ फ्लोरिडा पहुंचे थे राष्ट्रपति ट्रंप, वैज्ञानिकों का बढ़ाया हौसला।